इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 4 के बारे में। Redmi Note 4 को हम रीसेट कैसे मार सकते हैं, फॉर्मेट कैसे मार सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स पर जाना होगा। ये रही एडिशनल सेटिंग्स, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलता है, तो बैकअप एंड रीसेट पर आपको चले जाना है। जाने के बाद सबसे नीचे आपको फिर चले जाना है और यहाँ पर आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन मिलता है, तो फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आपको रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना होगा। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपका फ़ोन जो है फॉर्मेट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर फ़ोन को फॉर्मेट नहीं करने वाला हूँ। अब आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है 1234, तो वो भी डालकर आप उसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपका पासवर्ड नहीं होता तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, आपको ओरिजिनल पासवर्ड डालना होगा। तो ये होता है प्रोसेस। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro के अंदर हुआ है तो इसके अंदर भी आप कर सकते हैं।